नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी जनता की आवाज़। मैं साजन चंद्रा मंत्री विकल्प कुमार के साथ आज मैं मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड आटा पंचायत। आटा पंचायत के प्रेस अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। आइए, मैं उनसे जानना चाहूँगा अपने पंचायत में किसानों के लिए क्या क्या सुविधा दिए हैं और क्या नया बदलाव लाना चाहते हैं। बिहार टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, भाषा और यूथ के साथ हमें बिहार किसान और जनता ने बनाया है। मैं उनके आशा और विश्वास को बराबर खराब करना चाहता हूँ। मैं उनके आशा और विश्वास को खींचते रह दूँगा। मैं जब तक अध्यक्ष रहूँगा उनका सेवा करता रहूँगा, उसमें कोई कोताही और लापरवाही नहीं करूँगा। आपके पंचायत किसानों का किसान का थोड़ा है कितना? मुझे सरकार द्वारा लक्ष्य मिला था 13,000 कुंटल का। मैंने 13,000 कुंटल का लक्ष्य पूरा कर दिया। मैंने अपने किसानों को कभी खलिहान नहीं अबोने दिया। जहाँ मुझे फोन आया, आवाज़ आया, उनका धान उठवा दिया। चाहे उनका 10 कुंटल धान हो या 100 कुंटल धान हो, चाहे 250 कुंटल धान रहा हो, मैंने सब किसानों का धान उठवा दिया। कोई किसान मेरे पंचायत में कहने वाला नहीं है कि हमारा अध्यक्ष जो है धान हमारा नहीं ले गए, सरकार का समर्थन मूल्य नहीं दिला सके, ऐसा मुझे कहने का अवसर नहीं मिला। सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, सबको मैंने समर्थन मूल्य दिलाने का काम किया और आने वाला समय में भी समर्थन मूल्य या जो भी सरकारी सुविधाएं आएंगी उनको मुहैया कराने का, उनके घर तक पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूँ। गोदाम क्या है? गोदाम सरकार द्वारा मेरे पास 100 MT का है। मैंने भाड़ा पर लिया था 600 MT का, मिलाकर 700 MT का गोदाम हुआ। गोदाम की बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार द्वारा मुझे गोदाम मिलता तो सभी किसानों का धान सब सुरक्षित गोदाम में रखा जाता और क्रय बढ़िया से किया जाता। और क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने पंचायत के किसानों के लिए? मैं यही चाहूँगा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से सुविधा मिले, ताकि उन लोगों तक मैं सारी सुविधाओं को पहुँचा सकूँ। अंतिम पायदान तक जो भी सुविधा मिले सारा सुविधा को पहुँचा सकूँ। जैसे में हमारे पंचायत में सब्जी का भी खेती ज़्यादा होता है। अगर सरकार द्वारा सब्जी क्रय का भी व्यवस्था बनता तो मैं उन लोगों को समर्थन मूल्य दिलाने का काम करता। धन्यवाद। सर का कहना है कि यहाँ के किसान हमारे कार्य से संतुष्ट हैं। मैं उनके खेतों खलिहानों में जा करके उनका साफ कराई किया। धन्यवाद। ऐसा न्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे बिहार की जनता के आवाज़।